देखते हैं किसका निशाना तेज है। हाँ दिखाओ मोगली। क्या बात है मोगली, हीटा अच्छा था। क्यों अच्छा था ना हाथी? हाँ बहुत ही स्वादिष्ट है। अब तुम्हारी बारी अप्पू। मुझसे अच्छा निशाना तो नहीं हो सकता तुम्हारा। सॉरी पापा, जानबूझकर नहीं मारा। अप्पू देख के नहीं मार सकते, चलो यहाँ से जाओ कहीं और ये खेल खेलो। क्यों ना हम कुछ और खेलें? चलो पुराने मंदिर में जाकर लुका छुपी खेलते हैं। हीटा इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा भाई ज्यादा मस्ती ना करे। तो चलो अप्पू तुम्हारी डैन। पर मेरी क्यों? क्योंकि तुम्हें छुपना तो आता ही नहीं, इसलिए तुम हमें ढूंढने का ही काम करो। मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं हीटा, एक बार छुपने दो से। तुम्हारी डाइन होगी, मैं छुपूंगा, देखना ये गेम मैं ही जीतूंगा। अच्छा मुझे चुनौती। इससे फैसला होगा कि कौन छुपने में माहिर है। मैं गिन रही हूँ, पर मंदिर के आसपास ही छुपना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। 49, 50, गिनती पूरी हो गई, मैं आ रही हूँ। मिल गए। तुम्हें कैसे पता चला? कहा था ना मैं इसमें माहिर हूँ। जरा देखो तो पूरे सफेद हो गए हो तुम। अब अप्पू को भी जल्द ही ढूंढ लूंगी और जीत होगी मेरी। अप्पू बाहर आ जाओ, अब तो बहुत देर हो गई है। मैंने भी सब जगह ढूंढ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जंगल के अंदर चला गया हो? मैंने कहा था सिर्फ मंदिर के आसपास रहना है। मतलब उसने चीटिंग की, मैं जीत गई। पर जंगल में अप्पू अकेला सुरक्षित नहीं है। चलो हीटा हमें उसे ढूंढना होगा। अप्पू अप्पू अप्पू, खेल खत्म हो गया है। अप्पू वो रास्ता तो नहीं भटक गया? मोगली अंधेरा भी होने वाला है। मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। लगता है हाथी का बच्चा कहीं खो गया है। परेशानी है दोस्त, क्या मैं मदद करूं? ओ हाँ हमें मदद चाहिए। टपाकी हीटा इसे कुछ मत बताना। ओ मोगली मुझे सब पता है, तुम्हारा छोटू मोटू दोस्त जंगल में कहीं खो गया है और इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है ना मोगली, वो दिल से मदद कर रहा है। क्या कहा? अप्पू जंगल में कहीं खो गया है। और टबाकी को भी ये खबर है, वो जरूर शेर खान को जाकर बताएगा। मुझसे गलती हो गई। हाथी का बच्चा गायब है, ये तो बड़ी अच्छी खबर दी तूने। काम पर लगना होगा मुझे। गीदड़ के बच्चे मेरे पीछे मत आना, वरना खेल खराब कर देगा। इस बार हाथी खाने को मिलेगा। ओ क्या किस्मत है तेरी टबाकी। बुढ़ापे में इतना
दौड़ना ठीक नहीं। रही बात तुम्हारे बच्चे की, उसे मैं ढूंढ लूंगा। वो शेर खान था ना? हाँ, अगर इस बार उसने कुछ गलत किया तो कचुम्बर बना दूंगा मैं उसका। मेरे पास एक आइडिया है शेर खान को दूर करने का। हीटा मेरे साथ चलो, फिक्र मत करना और हीटा की आवाज सुनकर उधर मत आना, ये हमारा प्लान है। बस पहुंच गए, रुक जाओ और आगे मत आना। अब यहीं से पीछे जाओ, इससे शेरखान कुछ देर तो गड्ढे में फंसा रहेगा और हमें अप्पू को ढूंढने का वक्त मिल जाएगा। लगता है बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा है। उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। उसके वजन से ये पेड़ कैसे नहीं टूटा? उससे नहीं टूटा तो ये मुझसे क्या टूटेगा? इसका अंजाम बुरा होगा इंसानी बच्चे। अप्पू, अप्पू, कहाँ गया ये शैतान बच्चा? अप्पू, आउच। ये हो गया, अब क्या करना है मोगली? बस थोड़ी सी सजावट कर दो। मुझे एक मिनट भी आराम करने नहीं देते तुम जैसे जंगली। अब पता चला अप्पू के अंदर इतनी शैतानियाँ क्यों भरी हुई हैं। बात तो सही है, बेटा बाप पर ही तो जाएगा ना। पर बाप तो बेटे से भी बड़ा शरारती है। मोगली मैं फिर से आवाज करूँगा? अरे नहीं, क्या जरूरत है। क्या मैं इस पर से चलकर आऊँ? वैसे चाल अच्छी थी पर बेकार हो गई। अप्पू नहीं मिल रहा तो क्या है, हीटा को ही खा लेता हूँ आज। वैसे भी शेर खान को तो बस भूख मिटानी है। किस गुस्ताख की इतनी हिम्मत? किसने हिम्मत की? मेरे सामने आओ। ये किसने किया? वहाँ से किसी ने मारा था, चलो देखते हैं। तबाकी, ए तबाकी! चलो बुलावा आया है। कहाँ मर गया तू? हाँ हाँ आ रहा हूँ। हीटा, मुझे पता है अप्पू कहाँ छुपा है। शेर खान कहाँ हो तुम? तुम हमें यहाँ क्यों लाए? यहाँ तो अप्पू नहीं था ना मोगली। मैं चाहता हूँ हम उससे मिले जिसने हमें बचाया। इसका वक्त नहीं है मोगली, हमें अप्पू को ढूंढना है। और जिसने हमें बचाया वो कोई और नहीं बल्कि अप्पू ही है। क्या अप्पू ने हमें बचाया? पर आज तुमने देखा ना, उसका निशाना अच्छा नहीं था। पर अब निशाना सुधर गया है। अप्पू, अप्पू, क्या बात है, तुम तो छुपने में माहिर हो। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। पर तुम्हें कैसे पता चला हम मुसीबत में हैं? मैं तुम सबका पीछा कर रहा था और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हें तो मान गए अप्पू। तुमने तो शेर खान को भी भगा दिया, मान गए बेटे। जैसे पापा है वैसा ही बेटा। गीदड़ के बच्चे जानबूझकर गड्ढे में कूदने की क्या जरूरत थी? अगर मैं नहीं कूदता तो वो हाथी की बच्ची मेरी चटनी बना देती। हाँ।
और अब दोनों को यहाँ से बाहर कौन निकालेगा अकल के दुश्मन? ये लो पकड़ो। बाहर आ बलू, उस तरफ जंगल आ रहा है। बचाओ, मेरे पैर फंस गए हैं। जल्दी आओ बघीरा। अब आओ भी। शुक्रिया मोगली, मेरी जान बचाने के लिए। और तुम तो आज मरवा ही देते बघीरा। वही तो बघीरा, तुम मदद करने क्यों नहीं आए? मैं चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें पानी से परहेज है, पर तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में थी। नहीं, परहेज की बात नहीं है मोगली, मुझे पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है? तुम्हें अजीब लग रहा है पर मैं पानी से हमेशा घबराता हूँ। शायद तुम मेरी मदद कर सको। करना तो चाहते हैं पर पता नहीं कैसे करें, समझ में नहीं आता। मुझे इसका एक ही तरीका लगता है बघीरा, पानी में उतर कर ही पानी का डर भागेगा। मेरी नदी में मुझे ही बांध दिया, छोड़ूंगा नहीं इंसानी बच्चे को। चलो आओ बघीरा, ये बिल्कुल भी गहरा नहीं है। हाँ पता है, पर तुमने हमारी मदद मांगी थी, अब हमारी बात मानो बघीरा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, माफ करना, मुझे हिम्मत जुटानी होगी। बहुत अच्छे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अब क्यों ना थोड़ा सा आराम किया जाए। सही कहा बघीरा। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, आखिर तुम पानी से इतना घबराते क्यों हो? वो मैं छोटा था तब डूबते डूबते बचा था। जान छूटी। तुम घुसपैठी है, हमारे घर उजाड़ दिए तुमने। हंसते खेलते परिवार का सुख चैन छीन लिया जुल्मी कहीं के। क्या बक रहे हो तुम दोनों? मिल गई सजा, आज के बाद हमारे इलाके में आने की जरूरत मत करना। क्या सोच रहे हो बघीरा, तुम पहले भी ये कर चुके हो, चलो फिर से करो। हाँ हाँ मोगली, थोड़ा सब्र तो करो। जितना रुकोगे उतना तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगा बघीरा। हाँ बात तो सही है। ये बात, चलो चलो अब थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करो। कहीं मैं बहता ना चला जाऊं। उसके लिए एक आइडिया है, ये लो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हो। बस हो गया, कुछ और काम करें। घबराने वाली कोई बात नहीं है बघीरा। मैं तैर नहीं रहा हूँ। क्या
कमाल कर दिया बघीरा। पर मुझे डर लग रहा है, मुझे निकालो यहाँ से। अब कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें बघीरा के दिल से डर निकालना होगा। बस खुद से एक बात कहते रहो, अरे ये तो सिर्फ पानी है, मैं इससे नहीं डरता, मैं तो आराम से जाऊंगा, देखना डर भाग जाएगा। देखो बहुत मजा आता है। देखा ना, अब तुम्हारी बारी। अच्छा चलो मिलकर कूदते हैं, ठीक है? मैं भी। मुझे नदी का रास्ता बता सकती हो? नहीं नहीं, मुझे मत खाना। चाहो तो ये मेरी पैरीस खा लो। अरे नहीं, मुझे तो नदी में जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। मैं तो खामखा डर रही थी। तो चलो, एक दो तीन कूदो। माफ करना, शायद ये डर कभी नहीं जाएगा। सही है, बस आगे बढ़ते रहो। नदी आ गई। शुक्र है, अब मेरी नाक से उतर जाओ। अब उस इंसानी बच्चे और उसके दोस्तों को मजा चखाऊंगा। इंसानी बच्चा यानी मोगली? पर उसे मजा क्यों चखाओगे? वो तो उसे ही पता है। मोगली, मोगली। तो ठीक है, एक दो तीन कूदो। देखा, आया ना जिंदगी का मजा? हाँ थोड़ा बहुत तो आया। मोगली, मोगली, वो जकाला तुम्हें मजा चखाने आने वाला है। क्या? मुझे बाहर निकालो, बचाओ, बाहर। तुम भी कितना रो रहे हो बघीरा, अभी तो बहुत दूर है। शुक्रिया डाजी। ये तो मेरा फर्ज था, अब मैं जा रही हूँ बेरीज खाने। घबराओ मत बघीरा, हमें कुछ नहीं होगा, याद रखना ये सिर्फ पानी है और हम पानी से बिल्कुल भी नहीं डरते। हाँ सिर्फ पानी है, मैं पानी से नहीं डरता, सिर्फ पानी है, पानी से मैं नहीं डरता, लेकिन मगरमच्छ से बहुत डरता हूँ। अरे रे, मेरे लिए तो रुको। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से। मुझे निकालो, मैं फिर से कीचड़ में फंस गया हूँ। ओहो, फिर से नहीं। बलू, लो इसे लपेट लो। आखिर तुम कर क्या रहे हो बघीरा? मैं नहीं डरता, ना पानी से और ना ही मगरमच्छ से। यहाँ इस तरफ आओ। मोगली, जब मैं कहूँ तब खींचना। मोगली चलो खींचो। थोड़ा मुझे जाने दो। क्यों नहीं, तुम्हारा अचार थोड़ा ही डालेंगे,
क्या बात है, मान गए तुम्हें बघीरा। हाँ, क्या बहादुरी दिखाई तुमने। और नहीं तो क्या, अब तो तुम्हारे मन से पानी का डर भी निकल गया। हाँ वो तो है, पर पानी में कोई और होता तो उसे बचाने के लिए मैं इतना जोश नहीं दिखा पाता।